हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कॉमर्स क्लासेस बाय रौनक शर्मा। देखो, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग एज वेल एज कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं आपके अकाउंट्स में, वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट? चलो, आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है आपका, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। फर्स्ट कीवर्ड यहाँ पर है एंड द सेकेंड कीवर्ड इज साइंस। देखो, जब हमने क्लास वन में लेक्चर वन में डिस्कस किया था ना अकाउंटिंग का मीनिंग, उसमें हमने एक वर्ड आया था अकाउंटिंग, क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, है ना। तो आर्ट का देखो बेसिक मीनिंग क्या होता है, कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं प्रैक्टिकली, दैट विल बी योर स्किल, आर्ट यही होता है। तो अकाउंटिंग आर्ट कैसे है, अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें भी रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई समराइज एनालाइज करने की, कम्युनिकेट करने की आर्ट होती है। हर एक पर्सन का अपना अपना वे है, सबने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर ली है, सबको पता है क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कितने मेथड्स होते हैं, बट हर पर्सन जब उसे अप्लाई करता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो सबका अलग अलग वे होता है ना। तो इसीलिए बोला गया अकाउंटिंग क्या है, आर्ट। किस चीज की आर्ट है, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाई समराइज करने की, एनालाइज एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका साइंस, अकाउंटिंग साइंस भी है। अब साइंस में देखो क्या होता है, आपके साइंस में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, जिसके बेसिस पर आपके साइंस मतलब की जाती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होंगे आपके। सिमिलरली अकाउंट्स में भी आपके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, जिसको फॉलो करके, जिसको अडॉप्ट करते हुए ही कोई भी बिजनेस अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, आगे हमारे फर्दर जब चैप्टर्स करेंगे उसमें आएंगे आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, जनरली रूल है जिसको फॉलो करते हुए आपका जो बिजनेस है वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है। क्लियर। तो फर्स्ट फीचर देखो क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो, अब सेकेंड क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। क्या बोला जा रहा है कि आप अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जो आपकी फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, लाइक जिसे आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई होगी, दो डिपार्टमेंट ले लो कोई भी, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, और एक आप ले लो सेल्स डिपार्टमेंट। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गई है, हालांकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन नहीं करेगा, है ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल्स क्या करेगा, ऑब्वियसली प्रोडक्शन रुक रही है तो सेल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बट अभी यहाँ पे बात हो रही है आपकी कॉन्फ्लिक्ट की, है ना, लड़ाई की, तो आप कभी भी अपने अकाउंट्स में ये नहीं देखोगे कि हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट है, इनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इतने टाइम से चल रही है, ऐसा नहीं लिखते हम कभी भी। तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन, जो आपके इवेंट्स मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते, आप उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। अब इसी का एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, स्ट्राइक। सपोज आपके कोई भी इम्प्लॉयज हैं, उनकी वट एवर डिमांड है वो फुलफिल ना होने पर वो स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। अब स्ट्राइक पर बैठने से हो क्या रहा है, प्रोडक्शन रुक रही है, हर एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, है ना, बट से आप कभी भी अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं इतने टाइम से स्ट्राइक पर चल रहे हैं या इतने रुपीज का इसके कारण लॉस हुआ, ऐसा कुछ नहीं आप लिखते। आपने सिर्फ ये लिखना है कितनी आपकी प्रोडक्शन हो रही है, कितने आपके प्रॉफिट्स हैं, कितने आपके लॉसेज हैं, कितनी क्वांटिटी में कितने रुपीज का आप सामान लेकर आए हैं, सेल कर रहे हैं, ये सब। ठीक है, तो सिंपल एक यही बात, सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि कैसा होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है, इसमें कुछ भी क्वालिटेटिव आप एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं करते, हालांकि एक इसका ड्रॉबैक भी है, देखो इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ेगा ना, अगर आपके वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर आपके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी या उनके बीच में लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, क्वेरल हो रहे हैं,
तो हालांकि देखा जाए प्रोडक्शन भी तो हैम्पर हो रही है, बट हम सीरीज को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। चलो अब थर्ड आता है आपका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो अगर मैं यहां पर बोलती हूं कि मैंने 10 टेबल्स परचेज करे हैं, 20 चेयर्स परचेज करे, राइट, तो अब आप इसमें ये नहीं लिखोगे कि 10 टेबल आए 20 चेयर्स आए, ऐसा नहीं लिखोगे। आप ये लिखते हैं 10 टेबल्स कितने रुपीस के आए हैं। लाइक आपका सपोज यह आया 1000 का, यह आया आपका 2000 का, तो आप ये लिखेंगे रुपीज 3000, ना कि 10, 20, 30। आपने मनी के फॉर्म में लिखना है, मनी के टर्म्स में लिखना है कि आपके 10 टेबल्स 20 चेयर्स कितने रुपीज की आई है। हालांकि देखा जाए यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव लग रहा होगा आपको, यहाँ पर भी देखा है कि नंबर्स दिख रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए मनी की टर्म्स में, क्वांटिटेटिव तो हो बट हमें वो चीज चाहिए आपकी मनी की टर्म्स में, क्लियर। देखो फर्स्ट क्या था आपका, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ओके। सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, सिर्फ आप फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो आपकी मॉनेटरी नेचर की नहीं है या फिर आप जिन्हें मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हालांकि वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज वो आपकी फाइनेंशियल नेचर की नहीं होगी, राइट। थर्ड हमने किया है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिंपल ये आपको एग्जाम्पल दे दिया। नाउ नेक्स्ट फीचर इज क्लासीफाई। देखो क्लासीफाई करने का क्या मतलब होता है कि रिकॉर्ड करने के बाद ना आप उसे सेपरेट करते हैं। सेपरेट भी कैसे करना होता है, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एट अ सिंगल प्लेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं परचेजेस, जितनी भी परचेज के आइटम्स होंगी आप उसे एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, या फिर अगर हम बात करें सेल्स, पूरे साल में जितनी भी अलग अलग आपने सेल्स करी हैं उन्हें आप एक अलग अकाउंट में सेपरेटली शो कर देंगे, ठीक है। अब जो वो अलग अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं ना क्लासीफाइंग के टाइम पर, आप उन्हें बोलते हैं लेजर अकाउंट, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लेजर अकाउंट। अभी ना ये हम अकाउंटिंग साइकिल है उसमें प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट आपका आता है समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या होता है, समरी बनाना, समराइजिंग मतलब ये होगा ना कि आप समरी बना के दे रहे हैं। अब समरी कैसे बनेगी, देखो सपोज आपके जब आप बिजनेस कंडक्ट करते हैं ना, कुछ आपके आइटम्स प्लस की होती हैं, कुछ आपके आइटम्स नेगेटिव की होती है। मींस कुछ आइटम्स आप सेल करेंगे आपको पैसा मिलेगा, तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखे सारी आपके, राइट। अब सेल करेंगे तो ऐसे तो है नहीं कि आप कुछ परचेज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप रॉ मटेरियल भी बाय करेंगे, कुछ आपके खर्चे भी होंगे, तो आपने ये सारे अमाउंट्स यहाँ ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट अब इसका टोटल हम ऐसे ज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये आपका 10,000 आ रहा है और ये जो आपका नेगेटिव वाला है वो आपका आ रहा है 4,000, राइट। तो जो बैलेंस बचा है दैट विल बी योर 6,000। अब 6,000 क्या है आपका बैलेंस। अब समराइजिंग करते टाइम जब आप करेंगे तो ये आपका बैलेंस यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब समराइजिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। मींस जब आपने समरी देनी है कि मेरे पास कितना अमाउंट पड़ा है, डेबिट में पड़ा है, मींस प्लस पॉइंट वाला पड़ा है, नेगेटिव वाला अमाउंट पड़ा है, कौन सा अमाउंट पड़ा है, क्या बैलेंस है, वो आपका डेबिट है या क्रेडिट है। हालांकि अभी डेबिट क्रेडिट आपको आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। डेबिट क्रेडिट से आप सिंपल ये लो कितना पैसा आपके पास पॉजिटिव में है, कितना आपके पास नेगेटिव में है। तो इसकी जो समरी होती है, जो आप बैलेंस बताते हैं, ये कहां पर शो किया जाता है आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अब जब आपने एक बार समरी बना दी, अब ये मेरा आया 6,000 रुपीज, राइट। तो 6,000 से आपको क्या पता चल रहा है, मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आप यही तो चेक करोगे ना एंड में। जब देखो पॉजिटिव नेगेटिव आइटम्स का आपने बैलेंसिंग करी, अब 6,000 अमाउंट आएगा, अब चेक तो करना चाहोगे ना कि ये मेरे पॉजिटिव है नेगेटिव है, मींस आपको प्रॉफिट्स हुए हैं लॉसेस हुए हैं, क्या होगा आपको, है ना। तो वो आप नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अब ये कैसे की जाती है, इसके लिए आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपको बताता है आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कितने प्रॉफिट्स हैं कितने लॉसेस हैं, राइट। और एक और स्टेटमेंट बनती है आपकी दैट विल बी
बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या बताया जाता है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मींस आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, आपने कितने अमाउंट किसी को पे करने हैं टू द आउटसाइड पार्टीज, आउटसाइड पार्टी से कितना अमाउंट आपने लेना है, उन सबकी जो स्टेटमेंट होती है दैट विल बी योर बैलेंस शीट, राइट। इवन आगे हम जो फर्दर चैप्टर्स होंगे उसमें प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या उसके अंदर आइटम्स आती हैं, बट अभी के लिए हम जस्ट ये देख रहे हैं कि जो आपने इंटरप्रिटेट करना है रिजल्ट्स को वो आप इन अकाउंट्स में और इस स्टेटमेंट की हेल्प से करते हैं, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपकी कंपनी के कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेस। एट द लास्ट आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट। देखो अब आपको पता चल गया कि मेरे बिजनेस में इतने रुपीस का प्रॉफिट है या इतने रुपीस का लॉस है, ठीक है, हम प्रॉफिट के सिचुएशन को अज्यूम कर दिया, प्रॉफिट्स पता चल गए। अब एंड में आप क्या करेंगे, क्या आपने देखा कि हाँ भाई ठीक है मुझे इतने रुपीस के प्रॉफिट है, चलो ठीक है ओके, नहीं, ऑफ कोर्स आप जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं आप उन्हें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब इंटरेस्टेड पार्टीज अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक डिस्कस किया था, है ना, जब मीनिंग किया था, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होती है, जिनका भी बिजनेस में इंटरेस्ट जुड़ा होता है, मींस जो भी पार्टीज आपके बिजनेस से कनेक्टेड होती हैं, है ना। देखो अगर हम बात करें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो आपको उधार पर सामान देते हैं या पैसा देते हैं, है ना, तो वो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इसलिए जानते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके आपके बिजनेस को उन्होंने क्रेडिट देना है या फिर नहीं देना, मींस आपकी क्रेडिट वर्थिनेस को चेक करने के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज भी हमारे यूजर्स होते हैं, कैसे, देखो इम्प्लॉयज को जब पता चलेगा ना कि हमारी जो कंपनी है जिसके साथ हम एसोसिएटेड है, राइट, उनके इतने प्रॉफिट्स हैं, इतने प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए हैं, तो वो भी क्या करते हैं, इन फ्यूचर बोनस की डिमांड करते हैं, अपनी हाई वेजेस की डिमांड करते हैं, सैलरीज बढ़ाने की डिमांड करते हैं। तो ये जितने भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं आप एट द एंड क्या करते हैं, उनको रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। चलो एक बार ये आपके कुछ फीचर्स हैं डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। अकाउंटिंग क्या होता है, एक आर्ट है एज वेल एज साइंस। सेकेंड हमने डिस्कस किया है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। आप देखो ट्रांजेक्शंस बहुत सारी होती हैं, कुछ जो आपकी मॉनेटरी नेचर की हैं, कुछ आपकी जो नॉन मॉनेटरी हैं, बट हमने अकाउंट्स में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो आपकी फाइनेंशियल नेचर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने देखो अब क्वांटिटी तो दिख रही है कि इतने टेबल इतने चेयर, पर आपने क्या करना है, कितने रुपीज के आपके टेबल आए हैं, कितने रुपीज की आपकी चेयर्स आई हैं, आपने उस अमाउंट को रिकॉर्ड किया, क्लियर। आफ्टर दैट आपका था क्लासिफाई, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शंस को ग्रुपिंग करना एट अ सिंगल प्लेस इज कॉल्ड क्लासिफाई। एग्जाम्पल जितनी भी आपकी परचेजेस हैं आप उसे एक साइड लिख दीजिए, जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल है आपने एक साइड लिख दीजिए, कैश सेल्स है आपने एक साइड लिख दीजिए, इस तरह से आप क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफाई करने के लिए मैंने बताया आप क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट, राइट। आफ्टर दैट आप समरी बनाएंगे। अब समराइज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बैलेंस निकालते हैं जो आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट आपने अब समरी निकाल ली, उसके बाद आप इंटरप्रिटेट जो करेंगे ना कि ये रिजल्ट जो फिगर आई है, जैसे यहाँ पे 6000 था, अब ये डिपेक्ट क्या कर रहा है, आपको प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आया है आप उसे इंटरप्रिटेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट। आफ्टर दैट एट द एंड में आप क्या करते हैं, जो भी आपका रिजल्ट होगा, वट एवर योर रिजल्ट, इट इधर मे बी प्रॉफिट और लॉस, वट एवर, आप उन्हें कम्युनिकेट करते हैं टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब ना इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका अकाउंटिंग साइकिल। देखो अकाउंटिंग साइकिल में आपके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी ट्रांजेक्शन। सबसे पहला काम ये होता है एक बिजनेस मैन के लिए कि वो आइडेंटिफाई करे कि उनके जो ट्रांजेक्शन अक्कर हो रही है वो किस नेचर की है, वेदर वो आपकी मॉनेटरी नेचर है या फिर नॉन मॉनेटरी। अगर तो नॉन मॉनेटरी है आप उसे साइड कर देंगे, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है ना। बट अगर आपकी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी नेचर की है तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे कहां पर, जर्नल में। जर्नल में क्या करते हैं आप, रिकॉर्ड, क्लियर। अब आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो अब जितने भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन है ना उनको आप एक सेपरेट अकाउंट में ग्रुपिंग करते हैं और वो आप करते हैं लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे आप कर रहे हैं क्लासिफाई,
ठीक है। अब क्लासिफाई करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, समराइज। आपने क्या करा, समरी बना दी है, ठीक है। अब समरी बनाने के बाद आप इंटरप्रिटेट भी करेंगे, मुझे प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट। तो आप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, एंड एक स्टेटमेंट बनती है दैट विल बी योर बैलेंस शीट। जो आपका पी एंड एल अकाउंट होता है ये बताता है प्रॉफिटेबिलिटी, कि बिजनेस को कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेस हैं, ये आपका बताएगा पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। और जो आपकी ये बैलेंस शीट है ये बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि आपकी जो कंपनी है, आपके जो भी बिजनेस है, उसके पास कितने एसेट्स पड़े हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं। अब ये टर्म्स अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़िए, उसमें जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ ना, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, इन सबका क्लियरली मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप वो चेक कर लो अगर आपको ये वाले टर्म्स नहीं क्लियर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, सिंपल है। सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन करी है, आइडेंटिफाई, देन आप उसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, आफ्टर दैट आप क्लासिफाई करेंगे, उसके लिए आप जो अकाउंट बनाते हैं दैट विल बी योर लेजर अकाउंट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू समराइज योर क्लासिफाइड डेटा, ठीक है। अब क्लासिफाई जो डाटा समराइज कर रहे हैं उसके लिए अब अकाउंट जो बनाएंगे दैट विल बी योर ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर दैट एंड में आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पीएनएल अकाउंट आपका प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा और जो आपके बैलेंस शीट है वो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।